पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम प्रधानों का दो दिवसीय कार्यशाला का योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में समापन हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के 20 ब्लॉक के 1294 ग्राम प्रधानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था, जिसको दो दिवस में बांटा गया था, जिसका समापन हुआ है। उन्होंने कहा, इस कार्यशाला में जमीनी स्तर पर प्रधानों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको एक दिशा दिया जाए और सरकार के निर्देशानुसार अगले 100 दिन में हमको जिस तरह से कार्य करना है व अगले 5 सालों में कार्य करना है उसका प्रेजेंटेशन कार्यशाला है, जिसमें ज़िले के सभी प्रधान अपने ग्राम पंचायत में करवाए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन किए हैं, जिसमें कुल 7 प्रधान हैं। इसके साथ साथ मनरेगा, NRLM व ग्राम प्रधान निधि से किस तरह से कार्य करना है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, ग्राम प्रधान जी को अवगत कराना चाहूंगा, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उन ग्रामों में सभी चक्कर अपने नए चक्कों पर काबिज नहीं है, ऐसे जाने के लिए आपके द्वारा प्रयास होना चाहिए तथा जिला प्रशासन की तरफ से चकबंदी विभाग तथा राजस्व विभाग की एक टीम गठित करके वहां पुनः सीमांकन कराया जा सकता है। 1962 में हम समझते हैं कि तमाम चक्र की चकबंदी हुई थी और दूसरे चक्र की चकबंदी के लिए 1088 को संपन्न कर दिया गया। निर्वास का निर्वास में जो है धर्म पाठ करने के बाद जो है वहाँ यह चकबंदी स्थगित कर दी गई, जो है बचा हुआ है। यह गलत प्रस्तुत करके मुझे ज्यादा भी जो है आधार प्रतिज्ञा में अधिग्रहित होने के कारण चकबंदी प्रक्रिया उस ग्राम में निरस्त की गई है, तो आपको यदि लगता है, मैं आपको नियम बताता हूँ, इसी ग्राम में चकबंदी ग्राम के कुल भूभाग का 40% क्षेत्र चकबंदी योग्य यानी कि कृषि को होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि उस ग्राम में 40% क्षेत्र, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 24 गांव में कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई चल रही है, 15 जुलाई तक हम पूर्ण करेंगे, पहली बार। दूसरे जितने भी गांव हमारे चकबंदी प्रक्रिया में है, कुछ गांव में जो प्रस्ताव नहीं हुआ उसका धारा 6 का करके हमने शासन को भेजा है और कुछ का भेज रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में सभी गाँव में धारा 23-24 तक हम पहुँच जाएंगे और अगले साल इस विभाग का कोरा बिस्तर बांध के इस विभाग को बंद कर देंगे यहाँ पे इस जनपद में। और सर्वे का काम भी जो हमारे यार्डों के अधीन देखा जा रहा है वो भी इस सप्ताह इस वर्ष वित्तीय वर्ष में हम बाइंडअप कर देंगे और खत्म कर देंगे। बहुत हो गया है, ये हमारी मंशा है कि सारा कब्जा परिवर्तन पूर्ण करके धारा 52 के प्रकाशन पूर्ण करते हुए पारदर्शितापूर्वक पूरा। अगर नहीं भी होना चाहिए हमारे लिए कि कोई समस्या खड़ी होती है और DCO साहबान लेखपाल CEO की भूमिका संदिग्ध कर रही है, लक्ष्य लिया गया है उसको ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के सहयोग से आप पूरा कराएंगे, सबको कम्युनिकेट करेंगे, अनावश्यक हस्तक्षेप देने की जरूरत नहीं है। ये कल 9 तारीख और आज 10 तारीख को हमारे जितने भी गोरखपुर के प्रधान हैं 1294 उनको 10-10 ब्लॉक में बांट के और हमने ये दो दिन का कार्यशाला प्रधान पंचायती राज और ग्राम विकास के द्वारा कराया गया है। इस कार्यशाला में जो जमीनी स्तर पे प्रधान जी लोगों द्वारा कार्य किया जाता है उसको एक दिशा देने और सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नई अगले 100 दिन में जो हमें काम करना है या अगले 5 सालों में जो काम करना है उसका एक ओरिएंटेशन कार्यशाला है। इसमें सभी प्रधान जो है अपना एक संवाद होता है हमारा डायरेक्ट, ज़्यादातर प्रधान जी लोग खुद अपना जो उत्कर्ष कार्य है, हमने 7 ऐसे प्रधान जी लोग अपना उत्कर्ष कार्य आज भी प्रेजेंट कर रहे हैं, कल भी किया था। इसके साथ साथ मनरेगा में, NRLM में और जो हमारे ये 15वां वित्त है या बाकी वित्त आयोग के जो पैसे हैं ग्राम निधि के, उसमें किस तरह से हम लोग को एक फोकस तरीके से गांव में असेट्स क्रिएशन करना है उस पर ये कार्यशाला की गई है। अलग अलग
सेक्टर्स के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, जैसे मनरेगा के एक्सपर्ट्स हैं, इसके साथ साथ अलग अलग विभागों के लोग आके सीधा संवाद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी इसमें आके प्रधान जी लोगों से डायरेक्ट संवाद किया जा रहा है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में जो मदद है वो हम लोग ये लोग करते हैं हमारे, उसके लिए भी इसमें किया गया है। कल ADG सर भी आए थे, SSP सर भी आए थे, DM सर, कल भी पूरा दिन इनके साथ सीधा संवाद हुआ है, आज भी सर सुबह से हैं, सर चौपाल लगा के अभी सर ने ज्वाइन किया है। और विकास भवन द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें जो कराई है।